ओके, तो आजकल के इस टाइम में हेयर लॉस की प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम बन चुकी है, एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम बन चुकी है। ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम कुछ लोगों को उनके 30 से शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के उनके लेट 20 से शुरू हो जाते हैं। ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम कुछ नहीं है बल्कि उन्हीं कुछ डेली हैबिट्स का नतीजा है जो वो इंसान एवरी डे बेसिस पे करता होगा, जिसकी वजह से उसको आगे चलकर हेयर लॉस की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उन्हीं कुछ डेली हैबिट्स या फिर आप कह सकते हो उन्हीं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आप एवरी डे बेसिस पे करते हो, जिसकी वजह से आपको भी आगे चलकर हेयर लॉस की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। सो फिर चलिए सीधा चलते वीडियो की तरफ। सबसे पहली हैबिट जो आप शायद हर रोज करते होगे, बट आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, इज दैट कॉम्बिंग योर वेट हेयर। और ज्यादातर लोग भी तभी अपने बालों पे कंघी करते हैं जब वो शावर लेकर निकलते हैं या फिर जब उनकी बाल भींगी हुई रहती है। बट आपको कभी भी अपने वेट हेयर पे कॉम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी बाल अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर रहती है, और जब आप उसी समय अपने बालों पे कंघी करोगे तो आपके बालों में ब्रेकेज होने लगते हैं, और इन्हीं ब्रेकेज की वजह से आपको आगे चलकर हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे हैबिट की तरफ, जो फर्स्ट हैबिट से हल्का फुल्का मिलता जुलता है। बहुत सारे लोगों को आदत है कि जब भी वो शावर लेकर निकलते हैं तो वो अपने बालों को बहुत हार्शली, बहुत वाइगरसली रब करते हैं सुखाने के लिए। बट आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके बालों में ब्रेकेज होने लगते हैं, और इस ब्रेकेज की वजह से आपको हेयर प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। सो जूम करना, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग WWE विथ योर हेयर, टू बैंड बाय योर हेयर बेब। थर्ड हैबिट दैट लीड्स टू हेयर प्रॉब्लम्स और इवन से हेयर लॉस इज टेकिंग हॉट शावर, क्योंकि हॉट शावर आपके बालों को डिहाइड्रेट कर देता है, विच इन टर्न्स मेक योर हेयर ड्राई, ब्रिटल एंड योर हेयर रूट्स टू बिकम वीकर। इसकी वजह से भी आपके बालों में ब्रेकेज आते हैं और आपके बाल बहुत आसानी से टूट जाती है। दैट इज वाई यू शुड नॉट टेक हॉट शावर्स डेली, वंस इन अ वाइल इज ओके, बट डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस इज हार्मफुल टू योर हेयर। फोर्थ हैबिट जो आपके बालों की क्वालिटी को खराब करती है इज यूजिंग टू मच ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स एंड टूल्स, क्योंकि ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट लगाने की वजह से आपकी बाल और आपकी स्कैल्प ड्राई और इरिटेटेड हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी को भी, कोई भी इंसान को ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए, और ख़ास कर तो शैम्पू, क्योंकि शैम्पू आपके बालों का सारा नेचुरल ऑयल निकाल देता है आपके बालों से और आपके बालों को ड्राई और ब्रिटल बना देता है, विच कैन कॉज देम टू ब्रेक ईजली। कुछ लोग हमेशा हेयर ड्रायर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत गलत चीज़ है आपके बालों के लिए, क्योंकि ये भी आपके बालों और स्कैल्प को ड्राई कर देता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेयर क्वालिटी। फिफ्थ हैबिट विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेयर क्वालिटी इज टेकिंग पुअर न्यूट्रिशन डाइट। अगर आप भी एक पुअर न्यूट्रिशन वाली डाइट लेते हो तो ये आपके पूरे बॉडी के साथ साथ आपके हेयर को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए हमेशा वो डाइट लें जिसमें वाइटामिन ABCDE हो, जिंक हो, प्रोटीन हो, आयरन हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बालों के नए हेयर सेल को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सिक्स्थ हैबिट दैट इन कॉज हेयर लॉस इज टेकिंग स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस आपके हेयर फॉलिकल्स को बंद कर देता है और उस जगह से फिर कोई भी नए हेयर स्ट्रैंड ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके बालों की क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए हमेशा योगा, मेडिटेशन और अलग अलग चीज़ें अपनाते रहें जिससे आपको स्ट्रेस रिलीज हो सके, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए मेरा चैनल अमन रिंतोष। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, नॉलेजेबल लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, ताकि आप ऐसी हेल्पफुल वीडियो कभी भी मिस ना करें।